फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग। कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक में अपने याद करने अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स एबीसीडी याद नहीं करने, एबीसीडी की नंबरिंग याद करनी कि कौन सा अक्षर पे कौन सा अल्फाबेट कौन सी नंबरिंग पे आता है। आई बात समझ में? जैसे मुझे पता है ए एक पे आता है, सबको ही पता है ये चीज। बी दो पे आता है, सी तीन पे आता है, डी चार पे, ई पांच पे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शुरुआत यहां से होती है। एफ फिक्स सिक्स, कितने नंबर पे? छह पे। फिक्स सिक्स याद रहेगा आप लोगों की ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों को चाहे अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन इस ट्रिक से याद करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। फिक्स सिक्स। जी का ये सात नजर आ रहा है, जी कितने पे? सात पे। आई बात समझ में? रेलवे की जो घड़ियां होती है वहां पे आठ कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। एच कितने पे? आठ पे। आई नो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आई नो, आई कितने पे? नो पे। इजोटी देखो, ई जे टी ओ, ई जे ओ टी वाई, देखो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस। इजोटी कितने पे? पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, ये आपको याद करना है। के अंग्रेजी मारवाड़ी में कहावत है, अंग्रेजी रो ग्यारह अक्षर के, तो के कितने पे? ग्यारह पे। आई बात समझ में? एल बारह आपको याद करना है, अपनी ट्रिक भी लगा सकते हो कुछ भी आप, ठीक है? एम तेरा, मेरा तेरा, या मकान नंबर तेरा चौदह, मकान नंबर तेरा चौदह। इजोटी का ओ आपको पता ही है पंद्रह पे आ रहा है, इजोटी का ओ कितने पे आ रहा है? पंद्रह पे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, पी पी कितने पे? सोलह पे। पी छोला पी सोलह, पी कितने पे? सोलह पे। क्वीन, क्वीन क्या होती है? रानी, रानी से क्या होता है? खतरा, कितने पे आएगी? सत्रह पे। क्वीन क्या होती है? रानी, रानी से क्या होता है? खतरा, कितने पे? सत्रह पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब रानी सत्रह पे तो ऑब्वियसली राजा भी उसके पास नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? राजा कितने पे हो जाएगा? अठारह पे। दोनों पे कर, दोनों की कर दी उन्नीस पे इनकी शादी, दोनों पे क्या कर दी? दोनों की उन्नीस पे शादी कर दी है। और बीस पे हो गया उनका तलाक। टी ट्वेंटी भी याद कर सकते हो, बीस पे तलाक भी याद कर सकते हो, या कह सकते हैं अपन बीस पे हो गया उनका टावर। आई बात समझ में? चलिए, जब टावर 20 पे होता है तो युवा कितने साल पे होता है? वो 21 साल पे। तो यू कितने पे हो जाएगा? 21 पे हो जाएगा। यू कितने पे हो जाएगा? 21 पे हो जाएगा। आई बात समझ में? विक्ट्री, वी 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 क्या है? वी वी से होता है विक्ट्री। विक्ट्री का साइन कैसे होता है? यही होता है। वी कितने पे हो जाएगा? 22 पे। आई बात समझ में? डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका उल्टा है? एम का। एम 13 पे, तो डब्ल्यू 23 पे। एक्स वाई जेड 24 25 26 आपको याद करने हैं। आई बस में 24 25 देखो, Z का तो पता है 26 पे आते ही, सबको ही पता है, और X और Y का आपको याद करना है 24 और 25। आई बात समझ में? चलिए, इसी टाइप से एक और, ये तो हो गया अल्फाबेट का, अब आता है अपोजिट अल्फाबेट, विपरीत एबीसीडी, वो देखते हैं अपन। चलिए, अब आता है विपरीत एबीसीडी, ये भी आपको याद करनी है। आई बात समझ में? आप लोगों को, जब तक आप लोगों को एबीसीडी और विपरीत एबीसीडी दोनों याद नहीं होगी तो ये टॉपिक आपके क्लियर नहीं होगा। आई बात समझ में? और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये जो टॉपिक, ये जो अल्फाबेट है, ये आपको छह टॉपिक कवर करेगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग के, सॉरी रीजनिंग के छह टॉपिक कवर करेगा आपके। कौन कौन से? फर्स्ट कोडिंग रिकॉर्डिंग, सेकेंड अल्फाबेट, अल्फाबेट टॉपिक जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है? थर्ड सीरीज, फोर्थ ऑड मैन आउट, फिफ्थ से और ये अपने लुप्त संख्या, और सेवन अपने एनालॉजी, ठीक है? ये छह टॉपिक आपके कवर करेगा, क्योंकि छह टॉपिक में ही ये अल्फाबेट पूछे जाते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, अब आता है विपरीत एबीसीडी, अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है? देखते हैं अपन। मुझे बताओ ए के अपोजिट में क्या आता है? ए के अपोजिट में आता है जेड। ए ऊपर से एक नंबर पे, जेड नीचे से एक नंबर पे, ए के अपोजिट में क्या आता है? जेड आता है। अगर इसकी ट्रिक है, ट्रिक बनानी है, तो आप यूं लिख सकते हो अजहर, ठीक है? ए जेड अजहर, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, ए जेड अजहर। बी के अपोजिट में क्या आता है? वाई आता है। B ऊपर से दो नंबर पे, Y नीचे से दो नंबर पे, B और Y, BY को बाय भी कर सकते हो आप लोग, या बॉय भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। C के अपोजिट में आता है क्रूक्स, X, C के अपोजिट में क्या आता है? X, CX, क्रूक्स। D के अपोजिट में आता है W। अब एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, देखो
कितने पे? एक नंबर पे, अभी आपको बताया था। जेड कितने पे? 26 पे, 26 पे। तो दोनों का जब मैं टोटल करूंगा, एक का और जेड का जब मैं टोटल करूंगा, मेरे पास में कितना आएगा? 27। अब देखो बी कितने पे? 2 पे। वाई कितने पे? 25 पे। जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, तो दोनों का टोटल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 27, 27। यहाँ पे टोटल किया तो भी 27। अब देखो सी कितने पे? 3 पे। एक्स कितने पे? 24 पे। जब दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 27। दो विपरीत चीजों, दो विपरीत अल्फाबेट का टोटल कितना आता है? 27, 27। अब आ जाइए डी। डी के अपोजिट में डब्ल्यू। अगर ट्रिक बनाएंगे तो दूध वाला, डपली वाला, समथिंग समथिंग कुछ भी बना सकते हो। मैं लिख देता हूं इधर दूध वाला, ठीक है। ई के अपोजिट में बी, एवरी। एफ के अपोजिट में यू, फ्यू। जी के अपोजिट में टी, जीटी मॉल। जयपुर में है जीटी मॉल। चलिए ई एफ जी एच, एच के अपोजिट में एस, हाई सेकेंडरी, ठीक है। आई के अपोजिट में आर, इंडियन रेलवे। जे के अपोजिट में क्यू, जयपुर क्वीन, जबलपुर क्वीन, जोधपुर क्वीन, कुछ भी आप लिख सकते हो। बाकी मैं यहां लिख रहा हूं। के अपोजिट में पी, काला पानी, काला पत्थर। एल के अपोजिट में ओ, लव। एम के अपोजिट में एन, मुरली नगर, मुरलीधर नगर, मालवीय नगर, जो भी आपके मर्जी हो लिख सकते हो, याद करने की ट्रिक है। आई बात समझ में? तो ये जो 13 अल्फाबेट है, इनकी 13 ही क्या है, इनके अपोजिट है। आई बात समझ में? चलिए अब आता है अपने टाइप नंबर प्रश्न, विपरीत एबीसीडी पर आधारित प्रश्न। आई बात समझ में? विपरीत एबीसीडी पर आधारित प्रश्न। चलो चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, हेडिंग डाल लीजिएगा विपरीत एबीसीडी अपोजिट अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन, विपरीत एबीसीडी पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन है, सी एटिकेट को एक्स जेड जी लिखा जाता है तो डी ओ जी डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहां पे बोल रहा है सी एटिकेट को एक्स जेड जी लिखा जाता है तो डी ओ जी डॉग को क्या लिखा जाएगा? ये टाइप नंबर फर्स्ट है, ये अपोजिट एबीसीडी रिलेटेड क्वेश्चन है, अपोजिट अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो सी एटिकेट, सी को क्या लिख रहा है? एक्स। सी को क्या लिख रहा है? वो एक्स, सी एक्स क्रुक्स। ए को जेड, जेड ए जेड अजहर, मैंने बताया था ए के अपोजिट में क्या आता है? जेड आता है। सी के अपोजिट में एक्स आता है और टी के अपोजिट में क्या आता है? जी, जी टी मॉल, मैंने आप लोगों को बताया था। आई बात समझ में? तो सी के अपोजिट में एक्स, ए के अपोजिट में जेड, टी के अपोजिट में जी। उसी टाइप से डी के अपोजिट में क्या आता है? डी के अपोजिट में डब्ल्यू, डी डब्ल्यू दूध वाला, याद है। ओ के अपोजिट में एल, लव। Z के अपोजिट में T, यहां देखा ही होगा आपने, G के अपोजिट में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, GT मॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई बॉन्ड को विपरीत एबीसीडी के आधार पर अगर लिखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा? तो देखो S के अपोजिट में क्या था? H, हाई सेकेंडरी, मैंने आप लोगों को बताया था। K के अपोजिट में क्या था? P, काला पानी, मैंने आप लोगों को बताया था। Y के अपोजिट में क्या था? B, B Y बॉय, बताया था। B के अपोजिट, Y के अपोजिट B है तो B के अपोजिट क्या होगा? Y होना ही है। O के अपोजिट L, मैंने आप लोगों को बता रखा है। N के अपोजिट में M, मुरली नगर। D के अपोजिट में W, दूध वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकी को विपरीत एबीसीडी के आधार पर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? तो डी के अपोजिट में डब्ल्यू, दूध वाला। ओ के अपोजिट में एल, लव। एन के अपोजिट में एम, मुरली नगर। के अपोजिट में पी, काला पानी। ई के अपोजिट में वी, एवरी। वाई के अपोजिट में डी, बी वाई बॉय। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले है कि बीकानेर को अगर विपरीत एबीसीडी अपोजिट अल्फाबेट लिखा के हिसाब से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? तो देखो बी के अपोजिट में क्या आता है? वाई, बी वाई बॉय। आई के अपोजिट में आर, इंडियन रेलवे।
के अपोजिट में पी काला पानी, ए के अपोजिट में जेड अजहर, एन के अपोजिट में एम, ई के अपोजिट में वी, आर के अपोजिट में आई इंडियन रेलवे। आई बात समझ में? चलिए, जे के अपोजिट में क्यू जयपुर क्वीन, ए के अपोजिट में जेड अजहर, आई के अपोजिट में आर इंडियन रेलवे, पी के अपोजिट में के काला पानी, यू के अपोजिट में एफ फ्यू, आर के अपोजिट में आई इंडियन रेलवे। नेक्स्ट, डब्ल्यू के अपोजिट में डी डी डब्ल्यू दूध वाला, एच के अपोजिट में एस हाई सेकेंडरी, आई के अपोजिट में आर इंडियन रेलवे, टी के अपोजिट में जी जी टी मॉल, ई के अपोजिट में वी एवरी। नेक्स्ट, बी के अपोजिट में वाई बॉय, आर के अपोजिट में आई इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट में आर इंडियन रेलवे, एल के अपोजिट में ओ लव, एल के अपोजिट में ओ लव, ए के अपोजिट में जेड ए जेड अजहर, ए यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ, एन के अपोजिट में एम मुरली नगर, टी के अपोजिट में जी जी टी मॉल। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉपी का पूछा गया है, सी के अपोजिट में एक्स, ओ के अपोजिट में एल, पी के अपोजिट में के, वाई के अपोजिट में बी। नेक्स्ट, एम के अपोजिट में एन मुरली नगर, ए के अपोजिट में जेड, एन के अपोजिट में एम, ए के अपोजिट में जेड, जी के अपोजिट में टी, एम के अपोजिट में एन, ई के अपोजिट में वी एवरी, और एन के अपोजिट में एम। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, अब चलते हैं अपन, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब चलते हैं अपन टाइप नंबर सेकंड की ओर। टाइप नंबर सेकंड का केवल मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि उसका बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई बात समझ में? चलिए, मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ टाइप नंबर सेकंड है क्या, वो बता रहा हूँ आप लोग। अब आता है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड है एबीसीडी रिलेटेड क्वेश्चन, अल्फाबेट रिलेटेड क्वेश्चन, वर्णमाला या एबीसीडी पर आधारित प्रश्न। अब देखो कैसे है, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास में, सीएटी केट को डी बी यू लिखा जाता है, सीएटी केट को डी बी यू लिखा जाता है, तो डी ओ जी डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, अब आप लोग, अब क्या करना है अपने को, मुझे पता है कि सी के अपोजिट में एक्स आता है, यहाँ पे विपरीत एबीसीडी वाला, मतलब अपोजिट एबीसीडी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना है, सीधे नंबरिंग लगानी है। नंबरिंग लगाई, आंसर निकला आप लोगों का, नंबरिंग लगाते ही आंसर निकलेगा, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो, तो सी कितने पे आता है, तीन पे, मुझे पता है। ए कितने पे आता है, एक पे। आई बात समझ में? टी कितने पे आता है, T20 याद कराया था मैंने आप लोगों को, 20 पे आता है। और यहाँ पे डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो मुझे पता है ये तीन से क्या हो रहा है, 4 + 1 हो रहा है, यहाँ एक से क्या हो रहा है, 2 + 1 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है, 21 + 1 हो रहा है, सब में क्या चल रहा है, +1। जो रूल यहाँ फॉलो होगा वही रूल यहाँ फॉलो करना है। आई बात समझ में आप लोगों को? जो रूल यहाँ फॉलो होगा वही रूल यहाँ फॉलो करना है। तो देखो, डी कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ पे 5 पे क्या आ जाएगा, ई। आई बात समझे? ओ कितने पे आता है, 15 पे, तो यहाँ 16 पे क्या आ जाएगा, पी। जी कितने पे आता है, 7 पे, जी कितने पे आता है, 7 पे, तो यहाँ पे 8 पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, जो घर पे ही हो आप लोग वैसे, तो ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका कमेंट कीजिएगा। आई बात समझ में इस क्वेश्चन का? अब आपको बताना है कि कौन सा टाइप नंबर फर्स्ट का है, टाइप नंबर सेकंड का, और इसका आंसर क्या है। ठीक है, जोधपुर को ये लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को घर से करके लेके आना है। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।